दोस्तों महाभारत को धर्म और अधर्म के बीच हुआ सबसे बड़ा युद्ध कहा जाता है और साथ ही महाभारत हिंदुओं का सबसे बड़ा ग्रंथ भी है। लेकिन महाभारत को लेकर अक्सर बहस होती है क्योंकि आज के आधुनिक इतिहासकार इसे इतिहास के विश्वसनीय दस्तावेज के तौर पर स्वीकार करने से इनकार करते हैं। वहीं कई धर्मावलंबियों का यह अटल विश्वास है कि महाभारत में वर्णित घटनाएं वास्तव में घटित हुई थी। हम इस विवाद के ऊपर कोई निर्णय तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे प्रमाण दिखाने जा रहे हैं जो ये साबित करते हैं कि श्री कृष्ण ने इस धरती पर जन्म लिया था और महाभारत का युद्ध भी हुआ था। तो आइए दोस्तों देखते हैं महाभारत को सच साबित करते हैं ये सबूत। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप इस रेड वाले बटन को दबाकर इस बाजू वाली घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। कुरुक्षेत्र, यह बात तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था जो आज भी हरियाणा राज्य में स्थित है। कहा जाता है कि उस समय तबाही ला देने वाले युद्ध में बहे खून की वजह से वहां की धरती लाल हो गई थी। कुरुक्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा महाभारत काल में कई अवशेष प्राप्त हुए हैं जिनमें बाण और भाले प्रमुख हैं, जिनकी जांच पड़ताल करने पर उन्हें 2800 ईसा पूर्व माना गया है जो कि लगभग महाभारत काल के समय पर ही बने हुए थे। बता दें कि कुरुक्षेत्र ही वह स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोह भंग करने के लिए उसे गीता का ज्ञान दिया था। कुरुक्षेत्र में प्राचीन कुआ आज भी देखा जा सकता है। माना जाता है कि इसी जगह पर महाभारत युद्ध में कर्ण ने चक्रव्यूह की रचना करके अभिमन्यु को धोखे से मारा था। चक्रव्यूह पत्थर, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में 16 सिंगी धार के नीचे बसा राजनोक गांव एक ऐतिहासिक स्थल के नाम से मशहूर है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ रुके थे। अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने यहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे पत्थर पर उकेरा जो आज भी मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखा जाए तो इसमें अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है लेकिन बाहर जाने का रास्ता पता नहीं चलता। एक खंडनुमा महल के पास यह चक्रव्यूह मौजूद है जिसे पिपलू किले के नाम से भी जाना जाता है। अर्जुन ने यहाँ पर अपने बाकी भाइयों को चक्रव्यूह सिखाया था। अश्वत्थामा, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ के किले का संबंध महाभारत काल से बताया जाता है। यह जगह खांडव जिले के पास है जो उस समय खांडव क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। इस जगह को लेकर लोगों का मानना है कि गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा श्री कृष्ण से मिले श्राप के कारण आज भी 5000 सालों से इसी जगह पर भटक रहे हैं। यही नहीं, कलयुग में कई लोगों ने अश्वत्थामा के देखे जाने का दावा किया है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित असीरगढ़ किले के बारे में तो यह तक कहा जाता है कि यहाँ पर हर रोज भगवान शिव के मंदिर में आज भी अश्वत्थामा पूजा करने आते हैं। बागपत में मिले सबूत, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को उत्तर प्रदेश के बागपत में 5000 साल पुरानी सभ्यता के सबूत मिले हैं। बागपत के सिनोली में खुदाई के दौरान 8 नरकंकाल और रथ के अवशेष मिलने से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ये महाभारत काल के हो सकते हैं। इस अभियान से जुड़े डॉक्टर संजय मंजुल का कहना है कि इसकी पुष्टि लैब में टेस्ट के बाद होगी। उल्लेखनीय है कि बागपत उन 5 गांव में से एक है जिसे पांडवों की ओर से श्री कृष्ण ने कौरव से मांगे थे। एएसआई को खुदाई के दौरान ताबूत सहित 8 मानव कंकाल व उनके साथ 3 तलवारें और काफी मात्रा में मिट्टी के बर्तन मिले हैं। भारत में एएसआई की स्थापना के बाद अभी तक हुई खुदाई व रिसर्च में पहली बार सिनोली से भारतीय योद्धाओं के 3 रथ भी मिले हैं। इतिहासकार डॉक्टर के शर्मा के अनुसार महाभारत काल के दौरान बागपत कुरु जनपद का हिस्सा था जिसकी प्राचीन राजधानी हस्तिनापुर जिसको हम मेरठ और इंद्रप्रस्थ जिसको हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। लाक्षाग्रह, शकुनी की नीति के तहत दुर्योधन ने पांडवों के रुकने के लिए एक ऐसे महल का निर्माण किया जो लाख से बना था जिसे बाद में लाक्षाग्रह कहा गया। यह लाख तेज से अग्नि पकड़ता है। दुर्योधन ने पांडवों को मारने की साजिश रची थी। इस महल में रात में चुपचाप से आग लगा दी गई ताकि सोते हुए पांडवों की इस महल में ही जलकर मृत्यु हो जाए, किंतु पांडवों के जासूसों ने उन्हें इस योजना की सूचना दे दी और वे रातों रात एक गुप्त सुरंग से निकल भागे। ये सुरंग आज भी है जो कि गाजियाबाद के हिंडन नदी के किनारे पर खुलती है। लाख से बने महल के अवशेष आज भी बरनावा में पाए जाते हैं। यह बरनावा या वर्नावत नामक स्थान मेरठ जिले में आज भी मौजूद है।
मेहर से 35 किलोमीटर और सरदना से 17 किलोमीटर दूर बागपत जिले में स्थित एक तहसील का नाम वर्णावत है। यहाँ पर महाभारत कालीन लाक्षाग्रह चिन्हित है। इसके अवशेष आज भी एक और टीले के रूप में मौजूद है। कटोर गज का शरीर। पुरातत्व विभाग को कुरुक्षेत्र के पास महाभारत काल का एक बहुत ही बड़ा कंकाल मिला है, जिसे कटोर गज का कंकाल कहा जा रहा है। कटोर गज भीम और हिडिंबा के पुत्र थे। महाभारत में कटोर गज के आकार का वही विवरण है जिस आकार का पुरातत्व विभाग को कंकाल मिला है। जरासंध का अखाड़ा। अगर आपने महाभारत के बारे में पढ़ा हो या फिर टीवी पर देखा हो तो आप जानते ही होंगे कि जरासंध महाभारत के महान किरदारों में से एक था। मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के इशारे पर भीम द्वारा जरासंध का वध किया गया था। जरासंध मगध देश का राजा था, जिसका पुरातात्विक विभाग को बिहार के जिले राजगीर में एक अखाड़ा मिला है। वो वही जगह है जहाँ पर भीम ने जरासंध को मार दिया था और इस समय यह पर्यटकों के लिए एक दिलचस्प जगह है और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। द्वारका नगरी। इस बात से तो हम सभी परिचित हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे और महाभारत में इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि यह नगरी जलमग्न हो गई थी। पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला है और इसके प्रमाणों से पता चलता है कि यह वही द्वारका नगरी है जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया था। समुद्र में मिले इस अवशेष से यह साबित होता है कि द्वारका कोई काल्पनिक शहर नहीं बल्कि एक वास्तविक शहर था। अंग देश का प्रमाण। कुंती के सबसे बड़े बेटे दानवीर कर्ण अंग देश के राजा थे, जो उनको दुर्योधन द्वारा उपहार स्वरूप भेंट किया गया था। उस समय का अंग देश आज उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के नाम से जाना जाता है। साथ ही जरासंध द्वारा अपने राज्य के कुछ हिस्सों को कर्ण को दिए जाने की बात कही जाती है, जो आज बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले के नाम से जाने जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता। जिन्होंने श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी होगी उन्हें अच्छी तरह पता होगा कि उसमें अधिकांश श्लोक सिर्फ दो दो लाइनों में लिखे गए हैं, और अगर आप किसी एक श्लोक को पढ़े और समझे तो यह श्लोक बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही अधिक बात कर देते हैं, और जितनी गहरी बात उसमें लिखी गई है ये बातें किसी सामान्य मनुष्य द्वारा बिल्कुल नहीं बताई जा सकती। आज मानव सभ्यता बहुत ही विकसित हो चुकी है, लेकिन आज भी गीता में जो ज्ञान है वो अकल्पनीय और अद्वितीय है, जिसे एक सामान्य व्यक्ति का दिमाग नहीं सोच सकता, कोई महान पुरुष या भगवान ही कह सकता है। और यह इस बात का सबूत है कि भगवान श्री कृष्ण मौजूद थे और उन्होंने गीता का वाद संवाद अर्जुन के साथ किया था, तो इसलिए अर्जुन भी जिंदा थे, और अर्जुन थे तो फिर पांडव भी थे, और पांडव थे तो फिर महाभारत भी हुआ था। और अभी तक ना जाने कितने सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि महाभारत हमारा सच्चा इतिहास था। अफगानिस्तान से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक और श्रीलंका से लेकर तिब्बत तक सभी जगहों पर आपको महाभारत के सबूत देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मिस्टीरियस टीच हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूँ एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।